गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गायत्री स्कूल सांचो यूट्यूब चैनल। आज अपन क्लास टेंथ के साइंस के अंदर फिजिक्स का अंदर अपन पढ़ रहे थे। पिछले दो लेक्चर के अंदर अपन ने विद्युत धारा, विभव एवं विभवांतर के बारे में अपन बात कर लेते। आज अपन तीसरे लेक्चर के साथ में बात करेंगे ओम के नियम के ऊपर। उससे पहले अपन पिछले दो लेक्चरों के अंदर जो कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आने लायक हैं उसके अपन बात करते हैं। चल पहला छोटा सा क्वेश्चन है, किसी चालक तार में 20 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा क्या होगी। आप जानते हैं विद्युत धारा पूछा है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश अपॉन समय, Q/T। क्यू कितना दे रखा है, 20 कूलम और समय दे रखा अपन को 2 सेकंड। ये इसके अंदर पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू 20/2, इट मींस कितना आएगा 10। अब 10 अकेला नहीं लिखा, इसके साथ में इसका क्या आएगा मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या आएगा, एम्पियर, एम्पियर। और इसको अपन कैपिटल ए के द्वारा भी लिख सकते हैं। अर्थात उस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 10 एम्पियर। अब ऐसा कैसा, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए से बी तक कोई पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, यहां से आवेश को कितना आवेश 50 कूलम आवेश को ले जाने के अंदर 1500 जूल, ये ऊर्जा का मात्रक है, कार्य ऊर्जा का मात्रक है जूल, इतना कार्य हो तो विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा अपन जानते हैं कि किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो विभवांतर बराबर होगा कार्य अपॉन आवेश, ठीक है। तो विभवांतर पूछा है, विभवांतर बराबर कार्य कितना है 1500 अपॉन ये कितना है 50, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये विभवांतर कितना आएगा, ये 30। या तो अपन इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं विभवांतर बराबर 30 वोल्ट, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा गया कि किसी तालक चालक तार में से 10^19 इलेक्ट्रॉन 1.6 सेकंड में प्रवाहित हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा क्या होती है, ठीक। अपन को यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात n की वैल्यू देखिए 10^19। दूसरा अपन को दे रखा है केवल समय टी बराबर देर का 1.6 सेकंड, और अपन को पूछा क्या है, आई पूछा है। अब आई को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर Q/T, लेकिन आवेश नहीं दे रखा, उसके अंदर दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आप जानते हैं Q बराबर होता है N × E, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान अपन यहाँ पे रखें तो I बराबर कितना होगा N 10^19 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 1.6 × 10^-19 अपॉन समय कितना दे रखा है 1.6।
ये अपने पास कूलम में, ये सेकंड में, के कैंसल आउट, ये कैंसल, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, वन कूलम प्रति सेकंड, या फिर इसको लिखते हैं आई बराबर एक एम्पियर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि क्यू ना देके इलेक्ट्रॉन दे दिए, और आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो अपन इस इलेक्ट्रॉन के आवेश से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इसे कि किसी चालक तार के एक सिरे ए से ए पर विभव, जैसे ये ए बिंदु है, यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू दे रखा है 20 वोल्ट, यहां से कोई कितना आवेश, दो कूलम आवेश को किसी बिंदु बी पर ले जाना है, और बी तक ले जाने में कार्य है W, वो अपने पास कितना और है 8 जूल, तो अपन को ज्ञात करना है वी पी। आप जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो वी ए की वैल्यू अपन को दे रखी कितनी है 20, वी बी की अपन को ज्ञात करनी है, और ये W कितना दे रखा 8, और ये दे रखा है अपन को 2, तो 20 माइनस वी बी बराबर 8, और ये कितना आएगा 4, तो वी बी इजकल टू 20 माइनस का 4, देन अपन को कितना प्राप्त होगा वी बी इजकल टू 16 वोल्ट, तो इस पर विभव कितना होगा 16 वोल्ट। ये उच्च विभव है, ये कैसा आया निम्न, इसलिए तो आवेश यहां से यहां प्रवाहित हुआ। ठीक है, अब चल आगे, अब देखते हैं अपन ओम का नियम। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम क्या है, ओम एक जर्मन साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। इसने 1826 में एक लॉ दिया, उसने क्या कहा, उसने विभव और धारा के मध्य संबंध प्राप्त किया। अब संबंध प्राप्त करने से पहले अपन देखें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी, जब उसके अंदर आवेश वाहक होंगे। आवेश वाहक जैसे अपन बात करें सॉलिड्स के अंदर चालक तार है कोई लिए, तो उसके अंदर आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुक्त अवस्था में देखें बात, ऐसे कोई चालक तार टुकड़ा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त आवेश हैं, वो यथेच्छ रूप से गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन इसको कहते हैं, और ये लगभग 10^5 और 10^6 इस मीटर प्रति सेकंड की कोटि से, और इसका वेग मीटर प्रति सेकंड तापीय वेग से गति करते रहते हैं, और इसका ये यथेच्छ गति करते रहते हैं, इसलिए इसका परिणामी वेग शून्य होगा, जिससे इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अब तो धारा प्रवाहित कब होगी, जब अपन इस चालक तार के सिरों पर कुछ विभवांतर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होंगे एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलेंगे। अब यहां से ओम ने जो बताया कि वी व आई के मध्य संबंध, अब देखें वी से आई या आई से वी, अपन ओम के नियम में किससे, वी प्रोपोर्शनल टू आई होगा या आई प्रोपोर्शनल टू वी, ओम के नियम में अपन पढ़ेंगे वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है,
लेकिन एक्चुअल में देखें जैसे तो सूर्य से सौर पैनल की सहायता से अपने पास यहाँ से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाह के कारण इस चालक ये बल्ब के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो एक्चुअल में देखें रियल लाइफ में तो आई परपोजल टू क्या होता है, वी, आई परपोजल टू वी। लेकिन अपन गणितीय रूप से या फिर इस ओम के नियम का स्टेटमेंट को प्राप्त करने के लिए अपन वी परपोजल टू क्या लेंगे, आई लेते हैं। अब वी परपोजल टू आई ही अगर मार्क्स प्राप्त करने हैं तो सही होगा, ठीक। अब वी परपोजल टू आई देखें, ये अपन ने बात की, ये कब होगा, प्रत्येक कंडीशन में क्या संभव है वी परपोजल टू आई। ये अपने पास जो ओम का नियम है कि एक सार्वत्रिक नियम नहीं होगा, यूनिवर्सल लॉ अपन इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम वी परपोजल टू आई है वो एक फिक्स शर्तों पर कुछ कंडीशंस होंगे। अब कंडीशन क्या है, जब किसी चालक तार का या चालक तार की अपन कहेंगे भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था में अपने पास रहेगा ताप, दाब, ठीक, अपन कहेंगे अनुप्रस्थ काट, ये सारी भौतिक अवस्थाएं। और दूसरा इसकी जो पदार्थ के अवस्था पर भी निर्भर करेगा, उस ये सारी जो भौतिक अवस्थाएं अगर नियत हो उस कंडीशन के अंदर ओम का नियम लागू होगा। तो ओम के नियमानुसार अपने पास क्या आएगा, विभवांत परपोजल टू प्रवाहित धारा, ठीक है, विभवांत वी परपोजल टू आई अपन कहेंगे। तो इसका ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या होगा कि यदि किसी चालक तार के, जैसे कोई चालक तार है, इस चालक तार के सिरों पर अपन किसी बैटरी के द्वारा विभवांतर अप्लाई करेंगे तो इस चालक तार के अंदर क्या प्रभावित होगी तार, वो डिपेंड करेगी वी और आई, वी परपोजल टू आई, ठीक। तो इस समानुपाती चिन्ह है, इसको अपन कब हटा सकते हैं, जब ये समानुपाती तभी होगा जब ये सारी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इस v परपोजल टू हटाने के लिए v बराबर अपने पास लिखेंगे r i, और r को अपन कहते हैं समानुपातिक निहितांक, और इसी को ही अपन कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो ओम के नियम का कथन क्या हो कि यदि किसी चालक तार के, जैसे ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्था है ताप दाब आदि समान रहे, इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर अप्लाई करने पर चालक तार के सिरों पर विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये अपने पास ओम के नियम का कथन है और इस समानुपाती चिन्ह। अब अपन बात कर रहे थे कि v परपोजल टू i, i परपोजल टू v, इसको किसको मानेंगे। देखो
अब मैथमेटिकली तो अपने पास ये सही है, लेकिन रियलिटी में देखें तो इसमें से एक चालक तार को मैंने ये वी वोल्ट जैसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ दिया, और इसका कुछ प्रतिरोध होगा और इसमें प्रवाहित धारा आपने सपोज किया 10 एम्पियर की प्रवाहित हो रही। अगर मैं किसी किसी कारणवश या कुछ ऐसी अनहोनी की, अगर इसकी तार में जो प्रवाहित धारा है वो क्या कर दिया जाए, कम, क्या कर दिया जाए, कम, जैसे 5 एम्पियर की कर दें, तो क्या 5 एम्पियर की कम करने पर इसके विभव में परिवर्तन आए? बैटरी तो उस 6 वोल्ट की है तो 6 वोल्ट की ही रही, तो ये एक्चुअल में देखें पॉसिबल नहीं है। तो जो आई है और वी है, अब विभव है वो इनडिपेंडेंट किसी पर निर्भर नहीं करती, लेकिन आई है कैसी है, डिपेंडेंट, क्या है, डिपेंडेंट। ओके, तो अपन समझने के लिए और लिखने के लिए, मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, अपन हमेशा वी प्रोपोर्शनल टू आई ही लिखते हैं, ठीक है। अब अपने पास देखिए ये संपूर्ण स्टेटमेंट ये रहा। अब अपन देखें इस प्रतिरोध के बारे में बात करें कि आर बराबर अपने पास आया वी अपॉन आई, ये इसका अनुपात होगा। अब इसको अपन कहते हैं प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध का मान किस पे डिपेंड करेगा, प्रतिरोध होता है वो चालक तार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कि किस मटेरियल का चालक तार है, इसका मात्रक की बात करें, मात्रक तो एक तो अपन लिख सकते हैं प्रतिरोध का वोल्ट पर एमपी, या वी अपॉन, दूसरा बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम, और इसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा होगा, एक कोष्टक में लिखा है मैंने ओम का कुछ इस प्रकार है, इसको पढ़ेंगे क्या है, ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। अब किसी चालक तार के बताए 1 ओम की परिभाषा क्या हो, एक ओम की परिभाषा पूछ लेते हैं बहुत बार। एक ओम कि यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कि यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की हो, तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है, ठीक। ये अपने पास 1 ओम की परिभाषा आ गई, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रतिरोध किस किस राशियों पर निर्भर करता है, ठीक है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।